तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप कि मस्त ही होंगे। आप सभी के बीच गजब का एडिटिंग लेकर के आ चुके हैं, सैड फोटो एडिटिंग। आप लोग देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी हमारा फीस स्मूथ हुआ है और साथ ही साथ कितना अच्छा बैकग्राउंड बना है। सीवी फोटो एडिटिंग लेकर के आए हुए हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो 110% आप लोग इस तरह का एडिटिंग सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो ओके दोस्तों, सबसे पहले हम अपने ओरिजिनल फोटो को शेयर करेंगे स्नैपशीट के अंदर। तो चलिए कर ले रहे हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो ओके भाई लोग, हम आ चुके हैं अपने स्नैपशीट के अंदर। आपको नीचे जो टूल्स वाला आइकन दिख रहा है उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आप लोग डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। इतना कर लेने के बाद डिटेल्स को सेट कर दीजिएगा। इतना करने के बाद राइट क्लिक कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद टूल्स पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। इतना कर लेने के बाद आपको फर्स्ट वाला जो दिख रहा है ट्यून इमेज, उस पर क्लिक करके हल्का ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे। इतना करने के बाद कंट्रास्ट को भी हल्का बढ़ा लेंगे। इतना हो जाने के बाद सिचुएशन को भी हल्का बढ़ा लेंगे। इतना कर लेने के बाद एम्बिएंस को हल्का बढ़ा देंगे। इतना हो जाने के बाद सिंपल से हम हाईलाइट को हल्का कम कर देंगे। इतना करने के बाद शैडो को भी हल्का कम कर देंगे। इतना कर लेने के बाद सिंपल से यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद सिंपल से हम फोटो को शेयर कर लेंगे पी कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए लेके चलते हैं पी कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, आप लोग भी ले जाइएगा। तो ओके मेरे भाई लोग, हम आ चुके हैं अपने पी कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो आपको नीचे इफेक्ट का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद आप लोग आर्टिस्ट पे आ जाइएगा। इतना कर लेने के बाद आप लोग लास्ट में चले जाइएगा। इतना करने के बाद फिल्टर वन जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद इस पर आप लोग क्लिक करके मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दीजिएगा। इतना करने के बाद इरेजर पे जा करके इतना कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग फेस पर से इरेज कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहे हैं। तो ओके मेरे भाई लोग, हम लोगों ने इरेज कर लिया है। इतना कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिएगा। इतना हो जाने के बाद सिंपल से हम फोटो को ऊपर से सेव कर लेंगे। तो चलिए हम फोटो को सेव कर ले रहे हैं। तो ओके मेरे भाई लोग, हम लोग गैलरी में आ चुके हैं फोटो सेव करके, आप लोग देख सकते हैं। इसको हम शेयर कर लेंगे अपने फोटो रूम के अंदर। तो चलिए कर ले रहे हैं। कुछ इस तरह से आप लोग का फ़ोटो लोडिंग लेगा, देख सकते हैं आप लोग। लोडिंग हो जाने के बाद आपका फ़ोटो ब्लर हो जाएगा। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ओके मेरे भाई लोग, कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। आप लोग स्क्रॉल डाउन करके ब्लर जो है इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद आप लोग यहाँ से फोटो को सेव कर लीजिएगा, सेव टू गैलरी पे क्लिक करके। तो चलिए चलते हैं गैलरी में, देख लेते हैं। तो ओके मेरे भाई लोग, देख सकते हैं आप लोग कितना ब्लर हो चुका है। इसको शेयर कर लेंगे स्नैपशीट के अंदर। तो चलिए कर ले रहे हैं। तो ओके भाई लोग, हम आ चुके हैं स्नैपशीट के अंदर। आप लोग नीचे टूल्स पर क्लिक कीजिएगा। इतना कर लेने के बाद डबल एक्सपोजर पर क्लिक करके आप लोग यहां से प्लस पे क्लिक करके आप लोग जो पी कार्ड में फ़ोटो सेव किए हैं उसको ले लीजिएगा। इतना करने के बाद इसको 100 कर दीजिए। यहां से राइट क्लिक करके ऊपर आपको एक एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा शेयर के बगल में, उस पर क्लिक करके व्यू एडिट पे जा करके डबल स्क्रोल पे जाकर बीच वाले पे जा करके इतना करने के बाद यहाँ से इरेज कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहे हैं। तो ओके भाई लोग, हम लोगों ने इरेज कर लिए हैं, राइट क्लिक कर लीजिएगा। तो ओके दोस्तों, इतना हो जाने के बाद आप लोग नीचे जो आपको टूल्स वाला आइकन दिखाई दे रहा है उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आप लोग टोटल कंट्रास्ट जो है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग इसको 100 कर दीजिएगा। इसको भी आप लोग 100 कर दीजिएगा। इसको भी आप लोग 100 कर दीजिएगा। इसको भी आप लोग 100 कर दीजिएगा। इतना करने के बाद राइट क्लिक कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग व्यू एडिट पे जाइएगा एंड व्यू एडिट पे जाकर के डबल टोटल कंट्रास्ट पे जाकर बीच पर जाकर के यहाँ पे बगल में एक एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा उस पर आप लोग क्लिक करके आप लोग अपने फेस पर सीरेज कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहे हैं। ओके दोस्तों, हमारा फोटो देख सकते हैं आप लोग इरेज हो चुका है। यहाँ से आप लोग राइट क्लिक कर लीजिएगा इधर से कट करके। इतना हो जाने के बाद सिंपल से हम फोटो को शेयर कर लेंगे अपने लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए लेके चलते हैं अपने लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। ओके मेरे भाई लोग, हम आ चुके हैं लाइटरूम में। तो मेरे पास एक प्रेजेंट है, आप लोग जा करके मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप लोग इस प्रेजेंट को पेस्ट करने के लिए आप लोग का अच्छे से पेस्ट हो जाएगा ये प्रेजेंट। आप लोग 3 डॉट पर क्लिक कर लीजिएगा एंड कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने
के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद अपने ओरिजिनल फोटो पे जाइएगा। इतना कर लेने का आप लोग फिर से थ्री डॉट पे जाइएगा। इतना कर लेने के बाद आप लोग पेस्ट सेटिंग जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है कॉपी सेटिंग के नीचे, उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। वन क्लिक में हमारा फोटो देख सकते हैं एडिटिंग हो चुका है। तो इतना कर लेने के बाद हम फोटो को शेयर कर लेंगे अपने टूल बीज मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए लेके चलते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोग सीख पाएगा कुछ इस तरह का एडिटिंग, साइड फोटो एडिटिंग। तो चलिए लेके चलते हैं। तो ओके भाई लोग, हम आ चुके हैं अपने टूल बीज मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लोग स्क्रॉल डाउन करके इफेक्ट वाले पे जा करके सॉफ्ट स्मूथ पे जा करके इतना कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पे इस पर क्लिक कर लीजिएगा। दसवें वाले पे इतना कर, नौवें वाले पे आप लोग क्लिक करेंगे, नौवा वाला अच्छा लग रहा है इतना कर लेंगे। मैक्सिमम पे जा करके यहाँ पे क्लियर पे कर करके इतना कर लेने का आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहे हैं। मेरे भाई लोग देख सकते हैं आप लोग हो चुका है, यहाँ से राइट क्लिक कर लीजिएगा। इतना करने के बाद फिर से आप लोग चले जाइएगा सॉफ्ट स्मूथ पे। इतना कर लेने के बाद आप लोग इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इतना करने के मैक्सिमम पे जाके क्लीन पे जाके आप लोग अपने शर्ट पे अप्लाई कर लीजिएगा ताकि हमारा फोटो सेवी फोटो एडिटिंग हो सके। तो चलिए हम कर ले रहे हैं। इतना हो जाने के बाद आप लोग राइट क्लिक कर लीजिएगा। मैं थोड़ा फास्ट किया हूँ आपको बताने के लिए। इतना कर लेने के बाद यहाँ से सेव कर लीजिएगा फोटो को। तो चलिए हम सेव कर ले रहे हैं, हमारा फोटो सेव हो चुका है गैलरी में। तो चलिए लेके चलते हैं। तो ओके मेरे भाई लोग, मेरे जान, मेरे करेजा, तो हम इस फोटो को शेयर कर लेंगे अपने ऑटोडेस्क मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए लेके चलते हैं। हम आप लोग को भगवान मानते हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ओके मेरे भाई लोग, हम आ चुके हैं अपने ऑटोडेस्क मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे कलर के बगल में एक एरो का निशान होगा, उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद आप लोग ये वाला जो ब्रश है ये वाला ले लीजिएगा। ये वाला ब्रश मस्त ब्रश है, इससे मस्त इरेज होता है। आप लोग साइज को देख लीजिए। इतना कर लेने के बाद आप लोग जूम करके अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल तरीका से हमारा फेस स्मूथ होगा। आप लोग अच्छे से गोल गोल अच्छे से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहे हैं। तो मेरे भाई लोग, आप लोग अच्छे से कीजिएगा ताकि आप लोग का फेस एकदम ओरिजिनल तरीका से स्मूथ हो सके। मैं थोड़ा फास्ट किया हूँ इसलिए गड़बड़ा गया है। तो आप लोग कलर के बगल में यहाँ पे क्लिक करके, प्लस पे क्लिक करके प्यारा सा जो आप लोगों ने एम डिलेयर बनाया है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। नॉर्मल पर क्लिक करके सॉफ्ट लाइट कर लीजिएगा। इतना करना कलर्स पर जा करके ये वाला कलर चूज कर लीजिएगा। ब्रश पे जा करके मीडियम ब्रश आप लोग ले लीजिएगा, इतना रख लीजिएगा साइज। आप लोग अपने लिस्ट पर अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए हम कर ले रहे हैं। तो ओके दोस्तों, हो चुका है। आप लोग अच्छे से कीजिएगा, इसको हल्का कम कर लीजिएगा। इतना कर लेने का सिंपल से हम फोटो को शेयर कर लेंगे अपने पी कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए लेके चलते हैं। तो ओके मेरे भाई लोग, हम आ चुके हैं अपने पी कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लोग इधर से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा ऐड फोटो पे जा करके, और यहाँ से मेरे पास दो दो तीन PNG है, वो वाला ले लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम ले रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तभी आप लोग मेरी तरह एडिटिंग सीख पाइएगा। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग पर जाके स्क्रीन कर लीजिएगा, यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ से आप लोग यहाँ से इरेज कर लीजिएगा। इतना कर लेने का सिंपल से यहाँ से डन कर देंगे। इतना हो जाने का सिंपल से। तो ओके मेरे भाई लोग, इतना हो जाने के बाद आप लोग फिर से ऐड फोटो पे जाइएगा, और PNG है वो भी PNG आप लोग ऐड कर लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पे, मैं PNG ऐड कर ले रहा हूँ। तो चलिए मैं ऐड कर ले रहा हूँ PNG को खोज के। तो ओके दोस्तों, हमारा ऑल PNG आ चुका है। आप लोग इसको थोड़ा इस तरह से करके इधर से स्क्रॉल डाउन करके ब्लेंडिंग पे जा करके स्क्रीन कर लीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। इरेजर पे जा करके, इरेज वाले पे जा करके इसको आप लोग इरेज कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। तो चलिए हम कर ले रहे हैं। इतना कर लेने के बाद आप लोग यहाँ से डन कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आप लोग एक ये वाला जो PNG है ये वाला, इसको हम ले लेंगे। तो चलिए हम ले रहे हैं। तो ओके भाई लोग, ये PNG आ चुका है, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। आप लोग अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट किया हूँ इसलिए ये गड़बड़ा गया है। इरेजर पे जा करके आप लोग यहाँ से इरेज कर लीजिएगा। इतना कर लेने का सिंपल से यहाँ से डन कर देंगे। इतना हो जाने का सिंपल से ये वाला जो है, इसको आप लोग यहाँ से यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा।
इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग यहाँ से डन कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं आप लोग हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है, सीवी फोटो एडिटिंग। आप लोग इस वीडियो पर पूरा फुल सपोर्ट कीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नए हैं मेरे चैनल पे तो, और बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, आप लोग अच्छे से कीजिएगा, मैं अच्छे से बतलाया हूँ, आप लोग अच्छा तरीका से कर लीजिएगा। मैं थोड़ा फास्ट किया हूँ इसलिए गड़बड़ा गया है। तो चलिए वीडियो को कट कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।